एबीसी चैनल आपका अपना चैनल। खुदा बाप और बेटे रोल कदम के नाम से आमीन। भाई हम सब खुदा के हजूरी में अपने सरों को झुकाएं और बेटे फैसल के साथ मिलकर दुआ करेंगे। हालेलुया। आए सब सर खुदावंद की हुजूरी में झुक जाएं, सब हाथ आसमान की तरफ उठ जाएं। हालेलुया। खुदा बाप और बेटा रूह कुदस पाक खुदा, आसमान और जमीन के मालिक और खालिक, हमारे राजिक जिंदा आसमानी बाप, आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पांव तले की चौकी है। खुदावंद तेरे पाक कलाम में लिखा है कि ना तेरा आसमान पर, ना जमीन पर, ना जमीन के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, बल्कि सब नामों में आला यीशु मसीह नाम है। ऐ बाप, यीशु के नाम में तेरी हजूरी में आते, अपने सरों को झुकाते, अपने हाथों को उठाते, तेरी रहम पे आस लगाते, क्योंकि खुदा इब्राहिम और इसहाक और यकूब का खुदा है। तू इब्तिदा और इंतहा है, तू अल्फा और मैगा है, तू जो था, जो है, जो आने वाला कादर मुतलिक बाप है, तू अबदियत का बाप, सलामती का शहजादा है। खुदा खुदा तेरे कलाम में लिखा है, आपने कहा क्या मेहनत ठाने वालों, बोझ से दुबे हुए सब लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जिंदगी का आराम दूंगा। हाँ खुदावंद, जिंदगी का फिदिया तूने हमारे बदले दे दिया, जान का फिदिया दे दिया हमारे बदले, कब 40 कोड़े खा लिए, ऐ खुदावंद हमें बचा लिया, हमें खुदावंद मक्सली बख्श दी, हम तेरी शुक्रगुजारी करते खुदावंद आज के दिन के लिए, इस घड़ी, इस मौका के लिए। हाँ खुदावंद तेरे मनशा भाई के लिए, उसकी रूह के लिए तेरी हुजूरी में आते हम, उसकी पूरी फैमिली से, उसके तमाम दोस्त, उसके बेटे और बेटियां तेरी हुजूरी में आ जाते खुदा, क्योंकि तेरा फरमान हमारा ईमान है कि जहां पर तेरे नाम से दो या तीन जमा होते हैं खुदा, वहां पर तख्त नशीन हो जाता है। जब तेरा तख्त लग जाता है, तेरी हुजूरी पाक रूह की मेमोरी ठहर जाती है, तेरे लोग मस्ता से मर जाते हैं। ऐ खुदावंद, हां हम तेरी इबादत करना चाहते हैं, हम तेरी परस्तिश करना चाहते हैं। ऐ खुदावंद खुदा, आपने कहा कि तुम इबादत करना तो मैं तेरे रोटी और पानी पारे बरकत दूंगा और तेरे बीच में से बीमारियों को दूर कर दूंगा। ऐ खुदावंद खुदा, अपने तुरे बंदा मनशा को जिंदगी की सरफराजी और खुशियां बख्शी खुदावंद। जमीनी जिंदगी के अंदर जितना उसने सफर किया, ऐ खुदावंद जब इंसान अपनी हदों को छूता है वो तेरे पास वापस लौट आ जाता है। ऐ खुदावंद खुदा, तूने अपने बंदा को अपने पास बुला लिया। ऐ खुदावंद खुदा, उसके बेटे बेटियों के लिए तूने उसकी जिंदगी के अंदर अजीब काम किए, वो तेरी राह रास्ते पर चलता रहा। ऐ खुदावंद तेरे कलाम के मुताबिक तेरा बंदा चलता रहा। ऐ खुदावंद खुदा, तेरे कलाम में लिखा है कि मुबारक है वो शख्स जो अपने बच्चों के बच्चे देखता है। ऐ खुदावंद तेरे बंदा मनशा के लिए, ऐ खुदावंद उसके बेटों के लिए, बेटियों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, उसके नवासों के लिए, पोतों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। पाकरुआ हम सबको बरकत देना, ताकि जितनी देर तेरी इबादत और तेरी परस्तिश की जाए, तेरा पाक रूह एक लम्हा भी हमसे जुदा ना हो ना पाए, ताकि कसरत से हम बरकत पाए। आज खुदावंद तेरे बंदा को, तेरे खादम को तेरे हैंडओवर कर देता। ऐ खुदावंद जब तेरा बंदा, तेरा खादम कलाम सुनाए, ऐ खुदावंद हमारी जिंदगियों के लिए हो, ताकि तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे। ऐ खुदावंद क्योंकि तेरे कलाम लिखा है कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल पाता है। हां खुदावंद तेरी हुजूरी में मिन्नत करता हूं, हम जब तेरे कलाम को सुने खुदावंद 100 गुना फल पाए और उस पर अमल करें। तेरा बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाता है, सुनने से ईमान पैदा होता है, सुनना तो मसीह के कलाम से। ऐ खुदावंद क्योंकि तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, रोशनी यीशु मसीह है, यो जो दुनिया का नूर बनकर आ गया। ऐ खुदावंद हमें अपनी जिंदगी में बुलाना चाहते हैं, हमारी जिंदगियों के अंदर, हमारे घरों के अंदर जो तरीकी है बाप और बेटा यीशु के नाम से दूर हो जाए, ताकि खुदावंद हम तेरे लोग हैं, तुम्हारा जिंदा खुदावंद है, हम तेरी इबादत और परस्तिश करना चाहते हैं। ये दुआ मांगता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से। खुदा की तारीफ में और आगे बढ़ेंगे, खुदा की परस्तिश में और आगे बढ़ेंगे, और खुदा से दुआ करते हैं कि खुदावंद हमारे अजीत को, भाई मनशा
और प्यारा को अपने हुजूर में कबूल फरमाए। हम अपने गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि लायक तौर पर आज की इबादत में शामिल हो सके। शामिल कर अपने गुनाहगार होने का इकरार करेंगे। तौबा का अमल, ऐ मेरे खुदा, अपने सारे दिल से पशमान हूँ कि मैंने तेरी बेहदने की और बुजुर्गी के खिलाफ गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाह से नफरत करता हूँ क्योंकि वो तुझको नाखुश करते हैं। ऐ मेरे खुदा, तुझे सा प्यार के लायक है और मैं मजबूती से इरादा करता हूँ तेरे पाक फजल की मदद से। मैं हर जगह तुझे नाराज ना करूँगा बल्कि गुनाहों के राह से एक किनारा करूँगा। आमीन। कादिर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों गलतियों कसूरों को मुआफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आमीन। रहम कर ऐ मसीह, रहम कर ऐ मसीह, रहम कर ऐ खुदावंद, रहम कर ऐ खुदावंद, रहम कर। आए हम स्वयं साथ मिलकर और खुदा की तारीफ और प्रस्तुत में आगे बढ़ेंगे। तेरी तरफ
के लिए अपने आप को तैयार करें, अपने देहों को, अपने दिलों को तैयार करें, क्योंकि अगर हम अपने देहों को, अपने दिलों को तैयार नहीं करते तो खुदा का कलमा और खुदा का रूह हमें बसता नहीं है। किसी चीज़ को भी हासिल करना है उसकी तैयारी बहुत ज़रूरी है। आए हम अपने सिरों को चंद लम्हात की खामोशी में झुकाएं और खुदा से दुआ करें, अपने आप को खुदा के सुपुर्द करें। क्या मेरे नाम खुदावंद, हम अपने आप को तेरे सुपुर्द करते हैं। आज का कलमा, आज का कलाम हमारे लिए बरकत का बात है। कदूस 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 जिंदा जलाली आसमानी खुदावंद, तुझे मेहरबान प्यार करने वाला, शफकत करने वाला खुदा है, जो सबको सब तरह की नेमतों से नवाजता है। जब भी हम तुझे पुकारते हैं तू जवाब देता है, जब भी मांगते हैं तू अता करता है। अपने रहम और करम की निगाह हमेशा खुदावंद तो हम पर करता है, तेरे नहायत ही शुक्रगुजार हैं। अपने भाई मनशा की ज़िंदगी के लिए, उसकी खुदावंद तमाम बरकत के लिए जो तूने उसकी ज़िंदगी में उसको अदा की,
तूने बेशुमार खुशियां उनको अता की, घर बार अता किया, औलाद अता की, औलाद की औलाद उनको अता की, औलाद की खुशियां अता की। पैर खुदा सब बरकत के लिए, नेमत के लिए, तमाम फजाइल के लिए, भरपूरी के लिए, मामूरी के लिए तेरे नहायत ही शुक्रगुजार हैं। जिंदा पाक खुदा, जितने भी इंसान इस धरती पर पैदा होते हैं, हर एक का एक वक्त है कि जो इस जमीन पर सफ़र करते हैं वो सफ़र ख़त्म हो जाए। जिसको तू भेजता है उसको तू बुलाता भी है, और जब खुदा तो बुलाता है तो इंसान की कोई मजाल नहीं कि खुदा तेरे सामने इनकार कर सके। खुदा इंसान की कोई औकात नहीं है कि खुदा तेरे हुक्म की नाफरमानी कर सके। जब तू बुलाता है अपने बशर वापस लौटा तो खुदा वो अपने सारे काम छोड़कर, तमाम जिम्मेदारियां छोड़कर तेरी पाक हजूर में आ जाता है। आसमानी खुदा इंसान होते हुए, बशरी होते हुए हमारे भाई से जो भी गलती खता साजद हुई है, तू अजीम खुदा है, तू मेहरबान है, तू प्यार करने वाला है, शफकत करने वाला खुदा है। उनके तमाम बशरी खताओं को माफ़ फरमा और उनको अपने नूर के ईवानों में जगह अता कर, ताकि खुदावंद तेरी ही जयजयकार हो, तेरे नाम को जलाल मिले, तेरी ही शुक्रगुजारी हो। जितने मामलीन आज तेरी पाक हजूरी में इस जमायत में शामिल है, इस इज्तमा में शामिल हैं, प्यारे खुदावंद इन सबको अपने बरकत और फजाइल से मामूर करना। आज का कलमा, आज का कलाम हमारे लिए, हमारे घरानों के लिए, हमारे खानदानों के लिए बेशुमार बरकतों का बात ठहरे। आत्मा ने खुदावंद विनत करते हैं उन तमाम मोमिन के लिए, तमाम अजीबों के लिए जो प्यारे खुदावंद इस इबादत में शामिल हो पाए, जो रास्ते में हैं, तू ही अजीम खुदा है, तू ही मेहरबान खुदा है, तू ही जलाल का बादशाह है, तू ही वादों का सच्चा खुदा है। हमेशा तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम को जला दें, तेरे कलमा को सुनने से पहले हम अपने आप को तेरे हैंड ओवर करते हैं, अपने दिलों दिलों दिमाग को तेरे पाक हाथों में देते हैं, ताकि तेरा कलमा हमारी जिंदगियों में, हमारे जहनों में, हमारे दिलों में खुदा जड़ पकड़े और खुदा अपने किरदार से, अपने इखलाक से, अपने चलने से, उठने बैठने से हमारे खुदा मसीह खुदा में। अज़ीज़ मोमिनीन, जितने मोमिनीन जहाँ पर बैठे हुए हैं उनको मतला किया जाता है। आज की इबादत की कवरेज पीपीसी चैनल कर रही है। जिन मोमिनीन के घरों में पीपीसी चैनल आता है वो इस कवरेज को, इस इबादत को अपने घरों में टीवी पर देख सकते हैं, और जिन घरों में ये पीपीसी चैनल नहीं आता वो यूट्यूब पर ये पीपीसी चैनल सब्सक्राइब करके प्रोग्राम देख सकते हैं और आने वाले प्रोग्राम को भी देख सकते हैं। और आज की इबादत में सेंट फ्रांसिस चर्च की क्वायर जो है वो लीड कर रही है, हम इनके शुक्रगुजार हैं जिन्होंने आज की इबादत में खूबसूरत गीत गाए हैं। खुदावंद इनको अपनी बरकत और फजाइल से मामूर करें। खुदावंद आप सबके साथ हो। आज की अंजील मुकद्दस बामुताबक मुकद्दस लुका, ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 16वें बाब की 19वीं आयत से खुदावंद का पाक कलाम सुनेंगे। एक दौलतमंद आदमी था
जो अरगवानी और महीन कपड़े पहनता और हर रोज ऐशो इशरत करता था, और लाजर नामी नासूरों से भरा हुआ एक भिखारी उसके दरवाजे पर पड़ा हुआ था, और उसे आरजू थी कि मैं उन टुकड़ों में से पेट भरूं जो इस दौलतमंद की मेज से गिरते हैं, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते हैं। और ऐसा हुआ कि वो भिखारी मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया, और वो दौलतमंद भी मरा और दफनाया गया। और जब उसने आलमे असफल के अजाब में मुबतला होकर अपनी आंखें उठाई तो दूर से इब्राहिम को देखा और लाजर को उसकी गोद में, और उसने पुकार कर कहा, ए बाप इब्राहिम, मुझ पर रहम कर और लाजर को भेज ताकि वो अपने उंगली का सिरा पानी से भिगोकर मेरी जुबान ठंडी करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूँ। पर इब्राहिम ने कहा, बेटा याद कर कि तूने अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें हासिल कर ली, और उसी तरह लाजर बुरी चीज़ें, बस अब वो तसल्ली पाता है पर तू तड़पता है। और इन सब बातों के अलावा हमारे तुम्हारे दरमियान एक बड़ा गड़ा हायल है, ऐसा कि जो यहाँ से तुम्हारे पास जाना चाहें ना जा सकें और ना वहाँ से यहाँ आ सकें। तब उसने कहा, बस ए बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू इसको मेरे बाप के घर में भेज, क्योंकि मेरे पांच भाई हैं, वो इनको आगाह करे, ऐसा ना हो कि वो भी इस जय अजाम में आ पड़े। मगर इब्राहिम ने कहा, उनके पास तो रहते मूसा और सहाफ़े अंबिया तो हैं, वो उनकी सुने। उसने कहा, नहीं ए बाप इब्राहिम, लेकिन अगर कोई मुर्दों में से उनके पास जाए तो वो तौबा करेंगे। मगर उसने उससे कहा कि जब वो तो रहते मूसा और सहाफ़े अंबिया की नहीं सुनते, तो अगर मुर्दों में से भी कोई जी उठे तो उसकी भी ना मानेंगे। अंजील पाक के वसीला से हम सब की खताएं मिटाई जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। मसीह खुदा में अजीज मोमिनीन, जब भी कोई हमारे ख़ानदानों से, हमारे घर से, हमारे अजीज़ वकारब से कोई वफात पा जाता है या रहलत कर जाता है, तो हम उसके लिए मातम करते हैं, रोते हैं, कुरलाते हैं, और यहाँ तक कि कभी कभी हम खाना पीना भी छोड़ देते हैं। ये निशानात हम ये जाहिर करते हैं कि हमारी हमारे मरहूम के साथ बड़ी मोहब्बत थी, और ये कता तलकी, ये दूरी हमसे बर्दाश्त नहीं होती। अगर हम पुराने अहदनामे को देखें तो वहाँ पर भी बहुत सारे निशानात जो हैं वो दिए गए हैं कि जब लोग उनके घरों से, उनके ख़ानदानों से, उनके रिश्तेदारों से कोई रहलत कर जाता, कोई वफात पा जाता या मर जाता, तो वो मुख्तलिफ निशानात से ये दाहर करवाते थे कि हमें बहुत ज़्यादा सदमा है, हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और निशान क्या होते थे कि अपने कपड़ों को वो फाड़ते थे, पीटते थे अपने आप को, सर पर राख जो है वो डाल लेते थे, राख पर बैठ जाते थे, दाढ़ी को जो है वो मनवाते थे, अपने जो भौवें हैं उनको मंडवाते थे, अपने आप को ज़ख्मी करते थे, अपने आप को चीरे देते थे। और अगर हम अहबार की किताब उसका 19वां बाब उसकी 28वीं आयत पढ़ें, तो वहाँ पर लोग जो हैं वो अपने आप को
निशान जो है उस पर खदवाते थे, अपने आप पर निशान खदवाते थे, अपने आप को चीरे जो हैं वो देते थे। लेकिन खुदा उनको यहाँ पर ये बताना चाहता है, ये सिखाना चाहता है कि इंसान जो है जो मैंने भेजा है, मैं जब चाहूँ इंसान को इस दुनिया से वापस बुला लूँ। और ये मेरी खेती है, जब जी चाहे इसको लगा दूँ, जब जी चाहे इसको काट दूँ। और हम मुख्तलिफ दुनिया में निशानात देखते हैं कलर्स के ज़रिया से। अगर हम सैमुअल नबी की दूसरी किताब 14वें बाब में देखें तो वहाँ पर भी एक औरत को काले कपड़े जो हैं वो पहनते हुए हम देखते हैं, जो ये इजहार करती है कि ये सोग और दुख की अलामत है। वह अपने बालों को जो है वो संवारती नहीं है, अपने बाल जो है वो बनाती नहीं है। ये भी एक इजहार है कि जब हम अपनी दाढ़ी नहीं मंडवाते, जब हम अपने बाल नहीं बनवाते, तो इससे मुराद है कि हम दुखी हैं या परेशान हैं। इन रवैयों से, इन निशानात से हम अपने आप को दुखी जो है वो पेश करते हैं। और अगर हम इंडिया में देखें तो वहाँ पर एक निशान दुखी होने का क्या है, जो बेवा खवातीन होती हैं कि वो सफ़ेद कपड़े पहनती हैं, यानी उनके लिए ये एक सफ़ेद कपड़ा जो है वो मातम की निशानी है। यहाँ पर जब हम काला कपड़ा पहनते हैं तो हमारे पाकिस्तान में काला कपड़ा जो है वो मातम की निशानी जो है वो नज़र आता है। मसीह खुदा में अज़ीज़ मोमिनीन, पुराने दौर में अपने अजीज़ों पर, रिश्तेदारों पर बहुत ज़्यादा लोग मातम करते थे, और इतना मातम करते थे कि रोने वाली ख्वातीन या बैन करने वाली ख्वातीन को भी बुलाया जाता था किराए पर, और वो किराए पर आकर बैन करती थी, रोती थी, और इस कदर रोती थी कि दूसरे लोग जो बैठे हुए हैं, जिनको रोना नहीं आ रहा, उनके बैन सुनकर वो रो जाते थे। अगर हम पाकला में देखें तो यहर की बेटी का जिंदा किया जाना आप यह मौजदा देखते हैं, तो वहाँ पर लिखा है कि बांसली बजाने वालों को खुदावंद यीशु मसीह ने खामोश कर दिया, उनको रोका। और ये बांसली बजाने वाली कौन थी? ये वही खातून थी, वही औरतें थी जो किराए पर मातम के लिए, रोने के लिए, बैन करने के लिए बुलाई गई थी। और खुदावंद यीशु मसीह उनको कहते हैं कि बेटी जो है मरी नहीं बल्कि सो गई है, तुम ये बैन ना करो, तुम रो ना, तुम ये मातम ना करो। और हमारा मनजी, हमारा खुदावन जो है वो अजीम खुदा है जो रोते हुओं को तसल्ली देता है, जो उनकी रोते हुए को शादमानी अता कर देता है, खुशियां अता कर देता है, जो मुर्दे में जिंदगी अता कर देता है। अजीज मोमिनीन, शुरू से लेकर अब तक लोग जो हैं नुक्ताचीनी जो है वो करना छोड़े नहीं हैं। जिन्होंने नुक्ताचीनी करनी है वो खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी पर, उसके किरदार पर और उसकी तालीम पर भी नुक्ताचीनी करते थे, और आज भी जिन्होंने नुक्ताचीनी करनी है वो आम मोमिनीन पर, खुदा के खादमों पर, खुदा के लोगों पर भी नुक्ताचीनी कर देते हैं। जब खुदावंद यीशु मसीह ने यहर की बेटी को जिंदा किया तो वहां पर जब लोगों ने देखा तो लोग इतराज करते हैं, कहते हैं कि यहर की बेटी जो है वो अभी अभी वफात पाई थी, इसमें खुदावंद यीशु मसीह की इतनी कुदरत नजर नहीं आती, वो तो अभी अभी मरी थी, वो पूरी तरह मरी नहीं, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह की ये कुदरत नहीं है। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने दूसरा जो है मुर्दा जिंदा किया नाइन की बेवा के बेटे को। फिर जब खुदावंद यीशु मसीह ने जिंदा किया
खुदा उनके हवारियों ने, खुदा के लोगों ने, खुदा की तारीफ करने वालों ने कहा कि देखो हमारे खुदा यीशु मसीह ने पहले यहर की बेटी को जिंदा किया, अब नैन की बेवा के बेटे को जिंदा किया है। और नुक्ताचीनी करने वालों ने कहा अभी तो उसे एक दिन हुआ है मरे हुए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि खुदा यीशु मसीह ने उस नैन की बेवा के बेटे को जिंदा किया है। और फिर खुदावंद यीशु मसीह जब उनकी इन बातों को देखते हैं, उनकी इस नुक्ताचीनी को देखते हैं, कम अकली को देखते हैं, और खुदावंद यीशु मसीह जब उनके ईमान की कमजोरी को देखते हैं, तो फिर चार दिन के लाजर को जिंदा करते हैं। क्योंकि यहूदियों का ईमान था कि तीन दिन तक मुर्दे की रूह जो है उसके चौगिर्द जो है वो घूमती रहती है, और मुर्दा किसी भी वक्त जिंदा हो सकता है। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने दो दिन बाद नहीं, तीन दिन बाद नहीं, बल्कि चार दिन के बाद उस लाजर को जिंदा किया, ताकि वो लोग जो तीन दिन की रट लगाए हुए थे कि तीन दिन तक मुर्दा कभी भी जिंदा हो सकता है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अब मैं तुम्हारे ईमान की तकवीत के लिए चार दिन बाद उस लाजर को जिंदा करूंगा। और खुदावंद यीशु मसीह ने उस लाजर को जिंदा किया, लेकिन नुक्ताचीनी करने वालों ने फिर भी ना छोड़ा। मेरे जीजो, आज भी बहुत सारे लोग नुक्ताचीनी करते हैं, मुर्दों के लिए दुआ नहीं करनी चाहिए। जो कलीसिया ने पहले से सिखाया है, कैथोलिक कलीसिया ने, उन पर नुक्ताचीनी करते हैं और कलाम में लिखे हुए को भी नहीं मानते। मैं उनके लिए गुजारिश से ये बात करना चाहता हूँ कि पाकलाम में ही हमें शहादतें मिलती हैं, पाकलाम में ही हमें पता चलता है कि दुआ करने के लिए पाकलाम हमें बयान करता है, पाकलाम हमें नसीहत करता है। मसीह खुदा में अजीज मोमिनीन, आज हमने जो कहानी सुनी है उसमें दो लोग जो हैं इस कहानी के किरदार हैं। एक बहुत ज्यादा गरीब है और एक बहुत ज्यादा अमीर है। एक के पास तंदुरुस्ती है, दूसरे के पास बीमारी है, और ऐसी बीमारी है कि कुत्ते उसके दासूर को चाटते हैं। और एक जो है बहुत ज्यादा गरीब, एक बहुत ज्यादा दौलतमंद। एक के पास खाने के लिए कुछ नहीं और एक के पास आलीशान खुराकें हैं। ये किरदार जो है ये आसमान और जमीन के बराबर हमें नजर आते हैं। दोनों किरदार जो है इस धरती पर, जमीन पर अपना जमीनी सफर जो है वो तय करते हैं। इस सफर को तय करते करते दोनों जो है वो इस दुनिया के सफर से रुखसत हो जाते हैं और खालिक के पास चले जाते हैं। खालिक की रजा, उसकी मर्जी के मुताबिक इस दुनिया फानी से कूच कर जाते हैं। और जो बहुत ज्यादा गरीब है, जो ख्वाहिश करता है कि मैं इस दौलतमंद की मेज से जो टुकड़े गिरे उससे अपना पेट पालूं, वो बाप इब्राहिम की गोद में चला जाता है। और जो आलीशान जिंदगी बसर करता है, जिसके पास कीमती से कीमती पोशाक है, वो आलमे असफल के अजाम में है। कहां पर है? आलमे असफल के अजाम में है। यहां पर एक मुकालमा होता है बाप इब्राहिम के दरमियान और उस अमीर शख्स के दरमियान मुकालमा होता है, गुफ्तगु होती है। वो अमीर शख्स जब बाप इब्राहिम की गोद में उस गरीब को देखता है तो वो हसद से जल जाता है, उसके तन मन में आग लग जाती है, और वो बाप इब्राहिम को कहता है, रिक्वेस्ट करता है कि ऐ बाप इब्राहिम इस लाजर को भेज ताकि ये पानी से अपनी उंगली का सिरा डबोकर मेरी उंगली, मेरी जबान को तर करे, मेरी जबान को ठंडी करे।
यहाँ पर हमें एक मंजर ऐसे नजर आता है, बेशुमार लोग जो है इसको दूसरे तरीके के साथ पेश करते हैं कि एक जो है वो दोजख में चला गया है और दूसरा जो है वो जन्नत में चला गया है। लेकिन अजीज मोमिनीन, ऐसा हरगज नहीं है। अगर एक दोजख में चला गया है, एक जन्नत में चला गया है, तो हमारा ईमान जो है वो बेकार है जो हम खुदांद यीशु मसीह के आने पर रखते हैं कि खुदांद यीशु मसीह दोबारा आएंगे, मुर्दों और जिंदों का हिसाब करेंगे। अगर ये हिसाब ही हो गया है तो खुदांद यीशु मसीह क्या लेने आएंगे। लेकिन यहां पर एक कैफियत दर्ज की गई है, एक हालत को बयान किया गया है कि एक शख्स जो उस अमीर शख्स के टुकड़ों पर पड़ने वाला है, जो उसके टुकड़ों से अपने पेट को बलता है, जो उसके रहमो करम पे है, आज वो किस अजीम मुकाम पे है। मेरे अजीजो, जब भी कोई इंसान फौत होता है तो एक फैसला फौरन हो जाता है, एक फैसला फौरन हो जाता है कि वो ईमानदारों की जगह पे जाएगा या आलमे असफल में जाएगा। ये एक फैसला फौरन हो जाता है। लेकिन ये जो है रूहें अपनी अपनी जगह पर कायम रहेंगी। और मैं आपको बताता चलूं कि तीन किस्म की कलीसियाएं हैं। पहली दुखी कलीसिया जो आलमे असफल में है, जिनके लिए हम दुआ भी करते हैं, और दूसरी कलीसिया है जलाली कलीसिया, जिन्होंने अपने आप को खुदा के कलाम के मुताबिक डाला है, जिन्होंने अपनी जिंदगी खुदा के रजा खुदा के कलाम के मुताबिक बसर की है, वो बाप इब्राहिम की गोद में है। और ये कलीसिया जो है जलाली कलीसिया है। तीसरी कलीसिया है जंगावर कलीसिया। हम सब जो जिंदा हैं, हम जंगावर कलीसिया हैं, जो हर वक्त शैतान उसके इरादों और उसके कामों के खिलाफ हम जंग करते हैं, और ये जंग हमेशा से इंसान की जिंदा इंसान की रही है कि वो शैतान उसके इरादों उसकी निश्तों के खिलाफ जंग करें। मेरे अजीजों, इन दुखी कलीसिया के लिए हम दुआ करते हैं कि इंसान होते हुए अगर हमारे अजीज से कोई गलती खता हुई है तो मेहरबान खुदांद उसकी बशरी खताओं को माफ करे और बाप इब्राहिम की गोद अता करे। क्यों? क्योंकि वहां पर ईमानदारों की जगह है। हम बातों में, ख्यालों में, इरादों में हम गलतियां और खताएं कर लेते हैं। हमारी सोच, हमारी अकल नाकस है, कमजोर है। जिस काम को, जिस बात को, जिस नियत को या जिस इरादे को हम समझते हैं कि ये अच्छा है, ये भला है, वो शायद खुदा की निगाह में अच्छा और भला नहीं है। मेरे दीदो, हम ये दुआ करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये इतराज है कि क्यों मरहूमों के लिए दुआ की जाती है। मुकाशफा की किताब का हवाला देते हैं कि उनके अमाल उनके साथ साथ होंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे अमाल जो हैं, गौर से सुनिएगा, हमारे अमाल भी काफ़ी नहीं हैं हमेशा की जिंदगी के लिए। अगर हम खुदा के पाक कलाम को, मुकद्दस पौलुस रसूल का खत इफिसियों के नाम उसके दूसरे बाब की आठवीं आयत और नौवीं आयत पढ़ें तो वहां पर लिखा है, जरा गौर कीजिएगा, क्योंकि तुमको फजल से ईमान के वसीला से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, ये तो खुदा की बख्शिश है, और अमाल से भी नहीं, ताकि कोई फख्र ना करे। ये खुदा की रजा है, खुदा की मर्जी है
हम अच्छे अमाल करके भी कई दफ़ा पीछे रह जाते हैं। ये खुदा की पाक निगाह में कौन भला है, कौन अच्छा है, मैं और आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसलिए अगर हम सैमुअल नबी की दूसरी किताब उसका पहला बाब और उसकी बारहवीं आयत पढ़ें, तो वहाँ पर जब खुदा के बंदे को शाऊल बादशाह को कत्ल कर दिया गया, यूनातान को कत्ल कर दिया गया, तो वहां पर दाऊद बादशाह क्या करता है? बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि कहां पर लिखा है कि दुआ करनी चाहिए मुर्दों के लिए। मैं आप सबको यह बताना चाहता हूं, यह हवाला आप याद कर लें, सैमुअल नबी की दूसरी किताब उसका पहला बाब और उसकी बारहवीं आयत। यहां पर दाऊद बादशाह चार कैटेगरियों के लिए रोजा रखता है। रोजा दुआ से बढ़कर है, रोजा दुआ से बढ़कर यह रोजा है। लिखा है कि खुदा के बंदे ने लोगों को भी कहा और खुद भी शाम तक रोजा रखा, शाऊल के लिए, यूनातान के लिए, खुदा के लोगों के लिए और इसराइल के लोगों के लिए जो तलवार से कत्ल किए गए थे उनके लिए रोजा रखा। तो ये मरहूमों के लिए रोजा रखना जो है दुआ से भी बढ़कर है। दुआ तो जो है हम एक दफा करते हैं, जब रोजा रखते हैं तो दुआ ही बन जाते हैं। हम अपनी जुबान से, अपने किरदार से, अपने ज़ेहन-ओ-फ़ाल से खुदा को याद करते हैं, हर लफ्ज जो है उसको जांचते हैं फिर बोलते हैं, हर काम को पहले परखते हैं फिर करते हैं। यानी हमारा जो है ओढ़ना बिछोना जो है वो खुदा ही बन जाता है। हमारी हर एक सांस में उसके लिए दुआ निकलती है, दुआ अपने उस मरहूम के लिए, और यही दाऊद बादशाह ने किया है। मेरे दीदो, अगर हम दाऊद बादशाह के गीत गाते हैं, ज़बूर गाते हैं, तो हम ये अमल भी करके देखें, अपने मरहूमों के लिए दुआ करें। और यहां पर हम देखते हैं कि जब बाप इब्राहिम के साथ मुकालमा होता है उस अमीर शख्स का, तो फिर जब एक जुमले के बाद दूसरा जुमला या दूसरा सवाल किया जाता है तो खुदा का बंदा उसे क्या जवाब देता है? पहला सवाल उसका क्या था? क्या बाप इब्राहिम इस लाजर को भेज ताकि मेरी जबान को ठंडी करे, अपनी उंगली का सिरा भिगो कर मेरी जबान को ठंडी करे? तो बाप इब्राहिम का जवाब क्या था कि जो यहां पर है वो वहां पर नहीं आ सकते, जो वहां पर है वो यहां पर नहीं आ सकते। और दूसरा सवाल जब वो करता है तो फिर वो कहता है कि ऐ बाप इब्राहिम, अगर ये नहीं करना तो इस लाजर को मेरे बाप के घर में भेज, क्योंकि मेरे जो दूसरे भाई हैं वो भी मेरी तरह की जिंदगी बसर कर रहे हैं। जिस तरह मैं खुदा से दूर था, जिस तरह मैं अय्याशी करता था, इसी तरह वो भी खुदा से दूर हैं, खुदा की राहों से दूर हैं, उसके कलाम से दूर हैं, उसकी शरीयत से दूर हैं, उसके लोगों से दूर हैं, अच्छे अमल अमाल से दूर हैं। ऐ बाप, इस लाजर को भेज ताकि वो मेरे बाप के घर में जाएं और उनको आगाह करें कि तुम्हारा बेटा जो है वो बड़े अजाम में है, बड़े दुख में है, और इन बच्चों को समझाओ ताकि ये ऐसा ना करें। बाप इब्राहिम ने उसको जवाब दिया कि अगर वो ये करना चाहते हैं तो पहले वो सहफे अंबिया और तरहते मूसा की सुने, सहफे अंबिया और तरहते मूसा उनके पास है उनकी सुने। तो वो कहते हैं खुदा
नहीं, ऐ बाप इब्राहिम नहीं, अगर कोई मुर्दों में से जाएगा तो फिर वो उसकी मानेंगे। तो बाप इब्राहिम ने कहा कि अगर वो जिंदों की नहीं सुनते तो मुर्दे भी अगर उठकर उनके पास जाएंगे तो उनके भी ना सुनेंगे। सो अजीज मोमिनीन, कभी कभी जब हम अपनी खुशियों में होते हैं, खुदा हमें बरकात से नवाजता है, दौलत से नवाजता है, तो हम ये समझते हैं कि सब कुछ ही है हमारे पास, खुदा ने हमें बड़ी बरकत दी है, लेकिन हम अपने अमाल से बहुत पीछे हट जाते हैं। एक जगह पर खुदावंद यीशु मसीह जब एक अमीर शख्स को कहते हैं, आपने ये मिसाल जो है बड़ी सुनी होगी, आय सुनी होगी, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अमीर का खुदा की बादशाही में दाखिल होना बहुत मुश्किल है, इसके बरअक्स इसकी बनिस्बत ऊंट का सुई के नाके से गुजरना आसान है। तो शागिर्दों ने कहा, ए खुदावंद, अगर दौलतमंद या अमीर लोग जो हैं वो खुदा की बादशाही में नहीं जा सकते तो फिर कौन जाएगा? फिर तो खुदा की बादशाही में जाना ही नामुमकिन है। वो क्यों ये समझते थे? क्योंकि जो अमीर लोग थे वो ये समझते थे कि हमारे पास दौलत है, हमारे पास बंगला गाड़ी है, हमारे पास महल चुबारे हैं, और खुदा की खास हम पर रहमत है, खुदा हमें मुआफ़ करता है, खुदा हम पर रहम करता है, और ये शख्स जो बहुत गरीब है, ये शख्स जो बहुत कमज़ोर है, ये शख्स जो बहुत बीमार है, ये शख्स जो बहुत दुखी है, जो ये शख्स बहुत सारी परेशानियों में घिरा हुआ है, ये शख्स बहुत ज्यादा गुनाहगार है, इसलिए खुदा इसे प्यार नहीं करता। क्योंकि उनका ये ख्याल था कि जितनी बड़ी बीमारी है, जितना बड़ा दुख है, जितनी बड़ी परेशानी है, उतना बड़ा वो गुनाहगार है। लेकिन यहां पर खुदा यीशु मसीह से कहते हैं कि खुदा के नजदीक ये नामुमकिन नहीं है। हमारे अमाल अगर अच्छे भी हो तो कभी हम ऐसा फेल कर देते हैं, शायद वो खुदा की निगाह में बुरा हो। जिस तरह हैकल में दो शख्स दुआ करते हैं तो जो रास्तबाज है वो गुनाहगार ठहर जाता है, जो गुनाहगार है वो रास्तबाज ठहर कर चला जाता है। सो मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदा से दुआ करते हैं अपने अजीज मंशा के लिए, जिसको खुदा ने अपने पास बुला लिया है, जिसने अपना ज़मीनी सफ़र ख़त्म कर लिया है, कि प्यारा आसमानी खुदावन हमारी दुआओं की बदौलत, हमारी इल्तिजाओं की बदौलत, हमारी फरियादों की बदौलत उसकी तमाम बशरी खताओं को मुआफ़ करें और उनको अपने नूर के ईवानों में जगह अता करें। मसीह खुदावन के वसीला से आमीन। आए हम सब मिलकर अपने मसीही ईमान का इकरार करें। रसूलों का अकीदा, मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादर मुतलिक बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है, और उनको जो उसकी कुदरत से पेट में पड़ा, हमारी मरियम से पैदा हुआ, उसने पैंतुस पिलातुस के अगले दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरसक उतरा, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा कादर मुतलिक बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहाँ से जिंदे और मुर्दों की दाल के लिए आने वाला है। मैं रखता हूँ और हमेशा की जिंदगी पर आऊँ। आए हम अपनी तमाम दुआएं, इल्तिजाएं और मुनाजातें खुदा के हुजूर में पेश करें। आज हम दुआ करते हैं अपने बुजुर्ग, अपने भाई मंशा वल्द प्यारा के लिए, जिसको खुदा ने अपने पास बुला लिया है। जिंदा पाक खुदा उसके तमाम बशरी खताओं को मुआफ़ करें और उसको अपने नूर के ईवानों में जगह अता करें। अजीज व इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करते हैं तमाम मोमिन के लिए जो इस गम में शरीक हुए हैं, कि प्यारा आसमान खुदा जिस तरह सलामती से उनको यहाँ तक लेकर आया है, जितनी देर यहाँ पर है खुदा की पनाह और हिफाजत में रहे,
जब ये वापस अपने घरों को खानदानों को लौटे तो इसी तरह मेहरबान खुदा ने इनकी निगाहबानी और हिफाजत करे, जिस तरह उसने अपनी कौम बनी इसराइल की बियाबानी सफर में उनकी निगाहबानी और हिफाजत की थी। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। आप इसे जो मुनाजात करना चाहते हैं कर सकते हैं। आइए हम दुआ करते हैं। आज जो कि जिंदा है, खुदाबाद का शुक्रिया अदा करते हुए कि हम सब अपने कायम रखे, क्योंकि अभी हमारे पास वक्त है। हो सकता है अभी थोड़ी देर के बाद ये वक्त हमसे छीन जाए, तो उससे पहले हम अपने आप को पूरा पनाह दे रहे हैं। अभी जो इस मकसद के लिए दुआ करें, अरे खुदा हमारी दुआ सुन, हरी मंशा और उसके पूरे खानदान को खुदा अपने किरार में, अपने पनाह में और अपने किरार के लिए जो जिंदा है इस्तेमाल करता है। अजीज इस मकसद के लिए दुआ करें, अरे खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें उन तमाम मोमिनों के लिए जो साज की इबादत में शामिल हैं, कि जिंदा पाक खुदा इन सब पर अपने रहम और करम की निगाह करें, उनको ढेरों बरकात से नवाजे। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करते हैं भाई बंशा के सारे खानदान के लिए, उनके बच्चों के लिए, के प्यारा आसमानी खुदावंद उनको और उनके तमाम अजीज वकारब को जैसे गम में शरीक हैं तसल्ली और इत्मीनान अता करें, ताकि इस गम में भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए कह सकें, जिसने दिया उसी ने लिया, उसी का नाम मुबारक हो। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। मेहरबान कादर मुतलिक आसमानी खुदावन, जो दुआएं तेरी हजूरी में बड़ी मोहब्बत इस्तकलाल और ईमान के साथ पेश की गई हैं या जो हमारे दिलों में है होटल तक नहीं आ सकी, उन सबको अपनी पाक हुजूर में कबूल फरमा, बख्श दे कि उनका सर हम सब की जिंदगी से हमेशा नजर आए, मसीह हमारे खुदा के वसीला से। आमीन। भाई हम सारी इबादत की शुक्रगुजारी के लिए एक साथ मिलकर गीत गाए और हम सभी अपने होटों को खोलेंगे और खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे।
छोटे भाई जो 2015 में
16 जून को कुफन अफानी से रुखसत हो गए और अफानी साहब 2016 को 16 अक्टूबर को दुनिया अफानी से पेश कर गए। इसके बाद दोस्तों बीमारी की वजह से तीन साल तक लगते रहे और हर तरह का इलाज करवाने के बाद अस्पताल ठीक ना हुए। उनके चार बच्चे थे, दो बेटे और दो बेटियां। सबसे बड़े का नाम मनसन और छोटे का नाम सरफराज था। बेटी मरियम और मैरस सब बच्चे शादीशुदा हैं और सब बच्चों की शादियां भी उन्होंने बड़े खुशी और धूमधाम के साथ की है। पानीपुर को 2020 को वो रिटायर हुए और उन्होंने 30 साल नौकरी की और बड़ी मेहनत और ईमानदारी से इस जिंदगी को सर अंजाम दिया और इस नौकरी को पूरा किया और अपने बच्चों की खुशियाँ देखी और उनके बच्चों की खुशियाँ देखी। 2018 से 2020 तक वो बीमारी से लड़ते रहे और इलाज करवाने के बाद भी वो उस बीमारी से जीत ना सके। आखिरकार ये बीमारी जो है वो जीत गई और वो ये कहते रहे कि सब एक दिन मेरा खत्म हो जाएगा और सब खुदा अपने पास मुझे बुला लेगा और ये कहते हुए उनके जिंदगी के लम्हे खत्म हो गए। अजीब उम्र जिस तरह हमारे भाई मिर्चा इस जमीनी फसल को आम और दरियावी कामों में सर जाम देते हुए रिलीज कर गया, इसने फसल को खत्म कर लिया। हम भी अपने वक्त मुकर्रा पर संरक्षा की तरह अपने सफर को खत्म कर देंगे और हमें इलम भी न होगा। इससे पहले के वक्त गुजर जाए और हमें सच्ची तौबा का मौका ना मिले। आज हमें खुदा का कलाम खुदा का कलम हमें नसीहत करता है कि हम अपने आप को खुदा के हजूर दें, खुदा की हजूरी में सच्ची तौबा का लें ताकि उसके एक पाक और मुकद्दस लोगों में शामिल हो सके। आज हम परमेश्वर के लिए उसकी जिंदगी के लिए जो खुदा ने उसको बरकत और नेमतें अता की थी उसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। बच्चों के लिए और बच्चों के बच्चों के लिए भी उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। बच्चों की खुशी और शादमानियों के लिए उसकी शुक्रगुजारी करते हैं और खुदा से दुआ करते हैं कभी इंसान होते हुए उससे कोई जाति खुदा हाजिर हुई है। अजीब खुदा ने उसकी तमाम बच्चे किताब को माफ करे और उसको अपने लोग के बारों में जवाब अदा करें और हम सब जो इस वक्त उसके चरित्र की इबारत में शामिल है जिनका पाक खुदा हम सबसे भी खुशी को फसल अदा करें ताकि हम उन खुदा से लाख ठहरे उसके एक और फसलदार लोगों में शामिल हो सके उसी हमारे खुदा के नतीजा के लिए। हमने आप सबकी सलामती हो, खुदा आप सबके साथ हो और खुदा आप सबको बरकत दे। हर इंसान घास और फूल की मानिंद है, घास जो उगती है वो सूख जाती है और फूल जो खिलता है वो मुरझा जाता है। इंसान पैदा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, उसके बाद उसकी मौत होनी होती है, वो हो जाती है। इसलिए जीजो हम अपने बुजुर्ग की इस गम ज़दा खानदान के साथ हम भी उसी दुख में हैं। हर इंसान इस जहान से जाएगा लेकिन उससे जाने से पहले हमारी जिंदगी के ईमान अच्छे होने चाहिए। हालेलुया। आपकी शुक्र गुजारी करते हैं क्योंकि आप बोले मुश्किलात में आप तकलीफ के कायनात है, आप अजमतों के मीनार है, आप हमारे आत्मा कायनात है, आपने हर एक चीज को बनाया। हम आपकी शुक्र गुजारी करते हैं क्योंकि आप इस वक्त जिंदा हैं और हम आपकी शुक्र गुजारी करते हैं क्योंकि आप हमारी फरियाद को आप हमारी आवाज को सुन रहे हैं।
तारीफ करते हैं कि हमारी सांसें चल रही है, हमारे लोकल पर तेरा नाम है, आपकी शुक्र ताकि जाने तेरी कुदरत को और तुझे पहचाने कि तू ही हकीकी खुदा है और इस बार कुछ कुछ ही नहीं है खुदा। हम जहाँ चाहे चले जाए, तो कौन सी मर्जी किसी भी कोने में चले जाए, लेकिन हम आपसे चुप नहीं सकते। हालेलुया, हमें अपने हजूर में झुकना सिखा सकता। हालेलुया, I'm
और बहुत सारे यहाँ पे जानकारी मौजूद है, नौजवान भी हैं। अगर आपको अपना प्रोग्राम अपने गीत या आप अपनी किसी इबादत में खुशी के मौका पर भी आप किसी चैनल को दावत दे सकते हैं, ताकि आपके प्रोग्राम आपके गीत किसी चैनल पर नशर किए जा सके। तो रोज आप इस इबादत को अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर किसी चैनल को दर्ज करें और इस सारे प्रोग्राम को देख सकते हैं। तो हम आप सबको बरकत दें, आमीन। सबके साथ है आपके खानदानों पर आपके ऊपर गंगा खानदान पर हमेशा से हमेशा तक कभी रहे हैं। फिलहाल की जो रही कुमार खान शुक्र हो जो अच्छा सब The All Program of PPC Channel on YouTube। आप पीपीसी चैनल की तमाम नशरियात यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और आप देखते रहिए पीपीसी चैनल आपका अपना चैनल। Hi guys, subscribe our channel and play this bell icon so that you can have our latest updates.